वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसकी वजह है देश की सरकारी तेल कंपनियों को हो रहा घाटा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को वित्त वर्ष 2022-2023 की पहली तिमाही अप्रैल और जून में करीब 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये किसी भी तिमाही में कंपनी को हुआ सबसे ज्यादा घाटा है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 1800 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वहीं जनवरी मार्च तिमाही में ये आंकड़ा करीब 1900 करोड़ रुपए पहुंच गया था।